أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم जहाँ तक कुरान कॉलेज की कारकर्दगी और उसके कोर्सेज का ताल्लुक है, उसके लिए इंशाल्लाह अभी हमारे प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाएंगे। मैंने असल में बात करनी है एक साल कोर्स के मुतल्लिक, और एक साल कोर्स पर बात शुरू करने से पहले दो तमहीदें। पहली तमहीद के तौर पर मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैं स्टेट लाइफ में इंश्योरेंस एजेंट था, बीमा बेचता था, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो यहां पहुंचा। उस वक्त ये जो एक साल का कोर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो दो साल का होता था। दो साल कोर्स में दाखिला लिया, सुबह 8 से 2 बजे तक यहाँ एकेडमी में होता था, 2 बजे के बाद से अपना कारोबार संभालता था। कोर्स से फारिग होने के बाद फिर यही वक्त मैंने एकेडमी के लिए वक्त कर दिया था और 2 बजे के बाद फिर जाके अपना कारोबार देखता था। सन 1990 में जब कॉलेज यहाँ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है और काम की ज्यादती हुई है तो उसके बाद मैंने कुलियतन फरागत हासिल की और अब कुल वक्ती यहीं काम कर रहा हूँ। इस तारुफ का मकसद यह है कि एक साल कोर्स पर मैं जो बात करनी है वो थ्योरी की नहीं है। मैं जो भी एक साल कोर्स के मतलब बात करूंगा वो अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर होगी या जो लोग यहां एक साल कोर्स करके गए हैं उनके मुशाहदे की बुनियाद पर होगी। दूसरी तमहीद जो है वो ये है कि किस मकसद से मैं यहां दो साल कोर्स में शामिल हुआ था। उस वक्त तो बात सिर्फ इतनी थी कि मैं कुरान समझ के पढ़ना चाहता था। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं जरा सा, आपसे भी माजरत के साथ और आप हजरात से भी। असल में कुरान कॉलेज का जो रेगुलर सिलसिला है वो तो यहाँ ग्रेजुएशन है, मैट्रिक के बाद हम तालिब इल्म को लेते हैं और फिर उनको ग्रेजुएट करवाते हैं कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के साथ, उसके बारे में तो बात होगी बाद में। एक अलहदा मसला चलता है एक साल कोर्स, अब जो पहले कभी दो साल कोर्स होता था, ये एडल्ट के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी, जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी, जिन्होंने कुछ और इल्म हासिल किया, पीएचडी की, मुख्तलिफ शोबों के अंदर महारत हासिल की, लेकिन चूंकि वो महरूम रह गए कि उन्होंने दीन का इल्म हासिल नहीं किया, उसकी कंपनसेशन के लिए कि वो अगर अपनी जिंदगी के दो साल, पहले हमने दो साल रखे थे लेकिन लोग हिम्मत कम कर रहे हैं तो अब हमने उसको जो है रिड्यूस करके एक साल का कोर्स किया हुआ है, तो उसमें लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ अमेरिका से भी आए हैं, कुछ बाहर से लोग आए हैं, यहां से भी लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, पीएचडीज भी आ रहे हैं, जिन्होंने एमएस किए हैं अमेरिका से वो भी आए हैं। तो ये उस कोर्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो मैं तमीजी तौर पर करना चाह रहा था वो ये कि मैं क्या मकसद लेके यहां आया था। मकसद यही था कि मैं कुरान को समझ सकूं। जब भी मैं कुरान की तिलावत करता था, नमाज में पढ़ता था या जहरी रिकातों में कुरान सुनता था, तरावी में कुरान सुनता था, तो मुझे ये बात बड़ी इलॉजिकल सी महसूस होती थी कि ये क्या हो रहा है। और मैं सोचता था कि हमारे दानिशवर लोग अगर हमारे रोजे नमाज को रिचुअल कहते हैं तो ठीक कहते हैं, इसलिए कि इबादत का सेंस उसमें पैदा नहीं होता था। इस ख्वाहिश के तहत कि मैं कुरान समझ सकूं उसके लिए मैं यहां आया था। दो साल की मेहनत के बाद जब रिचुअल
के अंधेरे छटना शुरू हुए और कुरान फहमी का नूर कुछ फैलना शुरू हुआ, तब सही मानों में एहसास हुआ कि रिचुअल में और इबादत में फर्क क्या है। तब सही मानों में मुझे अंदाजा हुआ कि कुरान अपने समझने वालों की पजीराई किस तरह करता है, और ये वो कैफियत है जो मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये तो एक कैफियत है कि अल्लाह जिसको नसीब करे, जिसको हासिल हो, वही समझ सकता है कि जब कुरान समझने की सलाहियत पैदा हो जाए तर्जुमे से आजाद होकर, उस वक्त क्या कैफियत होती है और किस तरह कुरान मजीद अपने समझने वाले की पजीराई करता है, ये बात मुझे बाद में पता लगी। जब मैं यहां आया था कुरान समझने की नीयत से, तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि कुरान किस तरह अपने आप समझने वाले की पजीराई करता है, किस तरह उसको ऑनर देता है। अलबत्ता इस हवाले से जब यह तजुर्बा हुआ है मुझे, तो इस हवाले से दो बातें और जो समझ में आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुरान समझने से पहले वाजों में, खुतबात में ये सुनते आए थे, बाद में पढ़ा भी था कि जन्नत की कुछ नेमतें ऐसी होंगी जो न किसी इंसान ने देखी, न किसी इंसान ने सुनी, न जिसका एहसास कभी किसी कल्ब पर वारिद हुआ। अब बात समझ में आती है कि हां, ऐसी नेमतें होती हैं। इसलिए कि जब मैं यहां कुरान समझने की नीयत से आया था, उस वक्त मुझे यह अंदाजा नहीं था कि कुरान समझने के बाद मुझे क्या नेमत मिलेगी। उस नेमत का तो कुरान समझने की नीयत से आते वक्त भी न मेरे जहन में कोई तसव्वुर था, न मुझे कोई इसका कोई ख्याल भी नहीं था। बिल्कुल इसी तरह से पहले वाजों में, खुतबात में सुनते रहते थे, बाद में कुरान शरीफ में पढ़ा था कि जन्नत में जन्नतियों को जो शराब पिलाई जाएगी उसके नशे से उनकी अकल खप्त नहीं होगी, उसका भी ये हम तजुर्बा अब इस दुनिया में मुझे हासिल हो गया है कि कुरान फहमी का जो नशा है वो कभी फरसूदा नहीं हुआ। मुझे अल्लाह का शुक्र है आज 5-7 साल हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुरान फहमी की सलाहियत मुझ में बेहतर से बेहतर होती जा रही है, लेकिन वो जो एक नशा है, वो एक कैफियत है, उसमें कोई फरसूदगी नहीं है, बल्कि वो दिन ब दिन एक ताजा कैफियत उसके अंदर पैदा होती जाती है। और आखिरी चीज जो मुझे इसमें मिली है वो ये कि यहां आने से पहले दुनियावी एतबार से अल्लाह का शुक्र है मेरे पास बहुत कुछ था। मुख्तसरन ये अर्ज कर दूं कि यहां आने से पहले मैं 14,000 रुपए इनकम टैक्स पे करके यहां आया था। जिस साल मैंने यहां दाखला लिया है उस साल मैंने 14,000 रुपए इनकम टैक्स पे किया था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन उसके बावजूद अंदर रूह में मुसलसल एक बेकली, एक बेचैनी, एक बेकैफी किसी कैफियत, और ये बरसाहा बरस से चली आ रही थी। बहुत कोशिशें की, मुख्तलिफ क्लब ज्वाइन किए, मुख्तलिफ हॉबीज अख्तियार की, मैं रोटेरी क्लब का मेंबर बना, मैं इस्लामिक फिलोसफिकल सोसाइटी का मेंबर बना, लेकिन वो अंदर जो बेकली और बेचैनी थी वो मैं दूर नहीं कर सका। हां, जब जैसे मैंने आपसे कहा, अभी आपसे कहा कि जैसे जैसे रिचुअल के अंधेरे दूर होते गए और कुरान फहमी का नूर फैलता चला गया, मेरी रूह के अंदर की वो बेचैनी और बेकैफी खत्म होती चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि अब जिस इत्मीनान और सुकून की जिंदगी में बसर कर रहा हूं, ये भी वो नेमत है जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था यहां आने से पहले। और अगर इसकी तौजीह की जाए उसमें वक्त लग जाएगा। मैं मुख्तसरन ये कहता हूं कि मौसलों की इस्तिलाह में अगर कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं
कि वो सेल्फ फुलफिलमेंट, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसे मास्लो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसे मैं कुरान फहमी की सलाहियत हासिल करने के बाद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तजुर्बा हासिल। मैं अब दावे से कह सकता हूं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नेमत दी है। और जो तुलबा यहां से एक साल कोर्स करके गए हैं, उनसे जब मेरा राबता होता है, बातें होती हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि उनसे पूछे बगैर मुझे पता लग जाता है कि इनके अंदर की क्या कैफियत है, क्या उसे उस तालिब इल्म को भी वो सुकून हासिल हुआ है या नहीं। और फर्क जो आप मालूम होता है वो यही होता है कि यहां से जाने के बाद जिसने जो भी यहां से लेके गया था, जो भी इल्म लेके गया था, वो अगर आगे तकसीम करना शुरू कर दिया है उसने, तो उसका चेहरा अलग नजर आता है, उसके उठने बैठने का अंदाज अलग नजर आता है, उसके अंदर जो एक ठहराव और एक कैफियत की पोजीशन होती है वो अलग नजर आती है। और वो तुलबा, वो तालिब इल्म जो यहां से जो कुछ भी लेके गए उन्होंने अपने जाती इस्तेमाल में रखा, उसको आगे फैलाने की कोशिश नहीं की, उनके तर्ज अमल में, उनके गुफ्तगू में साफ फर्क नजर आता है। अगर कोई ये समझे कि इन नेमतों को हासिल करने के लिए मेरी तरह से हर एक ने अपना कारोबार कुल्लियतन छोड़ना है, तो ये बात गलत है। ये बात मैं अपने मुशाहदे और तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। बेशुमार तलबा ऐसे हैं जो यहां से एक साल कोर्स करके गए हैं, न सिर्फ एक साल कोर्स करके गए हैं बल्कि बीए करके गए हैं, बल्कि अभी 3-4 रोज पहले मुझे एक तालिब इल्म मिला है जिसने इस साल इंटर का इम्तिहान दिया है, और उन्होंने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, किसी ने अपने दफ्तर में मुख्तलिफ हल्के बना लिए हैं, कोई अरबी सिखा रहा है लोगों को, कोई कुरान मजीद पढ़ा रहा है लोगों को। और जो एक साल कोर्स के जो लोग थे, जो काम छोड़ के आए थे, वापस जाके वही काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक मकसद है, एक पर्पस है। वो अपना कारोबार करते हुए, अपने दफ्तर की जिम्मेदारियां निभाते हुए ये काम कर रहे हैं, और इसके जो अजर है, इस दुनिया में जो अजर है, आखरत के अजर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अलहदा खाता है, इस दुनिया में जो अजर है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और अपने तजुर्बे और मुशाहदे की आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि जो लोग ये हिम्मत करते हैं, इस नेमत को हासिल करने का अज्म करते हैं, उन्हें इसकी 3 कीमतें अदा करनी होती हैं। नंबर 1, कि जैसे ही वो इरादा करते हैं शैतानी वसवसों का हमला उनके ऊपर हो जाता है, हर तरह के अंदेशे, हर तरह के वसवसे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर इससे बच निकलते हैं तो फिर नासेहीन मुशफिकीन का हमला होता है कि अच्छे भले थे मियां, क्या हो गया है तुमको, तुम्हारा इतना ब्राइट कैरियर है, तुम्हारा इतना ब्राइट फ्यूचर है, क्या कर रहे हो, अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्यों तुम्हारी मत मारी गई है। फिर दूसरा हमला इसका, और इसकी इब्तिदा उनके अपने घर के अंदर से होती है, और फिर वो दायरा फैलता जाता है, और ये हमला बड़ा शदीद होता है। जो इससे भी बच निकलता है और यहां तक पहुंच जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करता है। अक्सर और बेशतर तुलबा को किसी न किसी किस्म के मसाइल, उलझने, मुश्किलात पेश आती हैं, वो उनका आखिरी इम्तिहान होता है उनकी साबित कदमी का। यहां आने से पहले शायद खानदान में पूरा साल गुजर गया हो और कोई शादी ना हुई हो, लेकिन यहां आते ही जो कजिनों की शादियां शुरू होती हैं, अभी एक शादी अटेंड करके वापस आए हैं, 4 दिन क्लास अटेंड की है, तो फिर शादी है। अला आजो क्या इस किस्म के मसले, इसको फिर वहां बात आ जाती है प्रायोरिटी की। मैं अक्सर तुलबा से झगड़ा करता हूं कि भाई मुझे यह बताओ कि तुम्हारे जाने से
शादी होगी, अगर तुम नहीं गए तो शादी नहीं होगी। अगर तुम नहीं जाते हो और शादी हो जाएगी तो खुदा के लिए यहां बैठो, शादी हो जाने दो, सबक मत छोड़ो। ये आखिरी आजमाइश है, ये मिनजानिब अल्लाह होती है, और जो यहां साबित कदम रह जाता है। इसलिए कि ये बड़ी सीधी सी बात है कि 15 दिन या 2 महीने कोर्स अटेंड करने के बाद अगर उसका 1 हफ्ते का नागा हो गया, फिर 15 दिन कोर्स अटेंड किया और फिर 1 हफ्ते का या 4 दिन का नागा हो गया, अब वो क्लास के साथ नहीं चल सकता। या तो घसीटेगा अपने आप को जबरदस्ती, क्लास के साथ चलने वाली कैफियत उसकी खत्म हो जाती है। ये आखिरी आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से। और जो लोग इन 3 मराहिल से गुजर जाते हैं, फिर वो अल्लाह का शुक्र है किसी न किसी दर्जे में कुछ ना कुछ यहां से लेके जाते हैं, खाली हाथ कोई नहीं जाता। मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि आप में से जो लोग इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, हिम्मत करें, अपने अजीज रिश्तेदारों को, अपने हलके में लोगों की हिम्मत बढ़ाएं बजाय उनको डिस्करेज करने की। हिम्मत करें, हौसला करें, तो फिर आपको पता है कि हौसले आपको गुलजार बना देते हैं।